जिस समय उत्तराखंड बना, लोगों को भरोसा और उम्मीद ये थी कि विकास बहुत होगा। जोशीमठ में क्या हुआ है? जो हमारा विकास जिस गति से होना चाहिए था, विकास को विनाश की तरफ नहीं ले जाना था, और जो पैरामीटर्स होते हैं विकास के, उन पैरामीटर्स का पालन करना चाहिए था। उत्तराखंड के पहाड़ कच्चे हैं, एक्सपर्ट साइंटिस्ट या जो रिसर्च करते हैं, एनजीओ चलाते हैं, उन्होंने समय समय पर सरकारों को सावधान किया। वो सरकार चाहे कांग्रेस की रही हो और चाहे बीजेपी की आज। जोशीमठ में आई प्राकृतिक आपदा के बाद वहां राहत एवं बचाव का काम जारी है। केंद्र और राज्य सरकारों के मंत्री लगातार वहां का दौरा कर रहे हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी उत्तराखंड पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जोशीमठ मामले में राज्य सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला, साथ ही पिछली कांग्रेस सरकार पर भी तीखे हमले किए। अखिलेश यादव ने कहा कि मुनाफा कमाने के नाम पर सरकार पर्यावरणीय व्यवस्थाओं को दरकिनार करते हुए उत्तराखंड के लोगों की जान जोखिम में डाल रही है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड एक समय उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। जब उत्तराखंड बना तो लोगों को उम्मीद था कि विकास होगा और उत्तराखंड खुशहाल के रास्ते पर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि लंबे समय से स्थानीय लोग, साइंटिस्ट और भूवैज्ञानिक लगातार सरकार को संदेश दे रहे थे कि यहां निर्माण कार्य ना कराया जाए। कुछ एनजीओ और रिपोर्ट्स ने समय समय पर कांग्रेस और बीजेपी की सरकारों को चेताया भी, लेकिन सरकारों ने सुझावों पर ध्यान नहीं दिया। अखिलेश यादव ने बोला, एनटीपीसी द्वारा बिजली पैदा करने के नाम पर पूरे उत्तराखंड को संकट में डाला जा रहा है, लेकिन यह सरकार केवल मुनाफा कमाने के बारे में सोचती है। ऐसे में उत्तराखंड के लोगों पर ही संकट आ रहा है। एनटीपीसी द्वारा उत्तराखंड के पहाड़ों को खोखला कर दिया गया। कच्चे और नए पहाड़ों के निर्माण कार्य के दौरान जिस तरह की सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए था, वैसा नहीं किया गया। उन्होंने आगे बोला, केदारनाथ में हुई भीषण त्रासदी में बड़ी संख्या में लोगों की जान गई थी। बादल फटने के कारण वहां बड़ी संख्या में लोगों का नुकसान हुआ, लेकिन सरकार ने इस घटना से भी कुछ नहीं सीखा। जोशीमठ के घटना के बाद सरकार को एनवायरनमेंट असेसमेंट रिपोर्ट पर ध्यान देना चाहिए था। अखिलेश यादव ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर पूछे गए सवाल पर कहा कि भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस का अपना राजनीतिक कार्यक्रम है। उन्होंने मुझे यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रण नहीं दिया। इसके लिए मैंने राहुल गांधी जी को धन्यवाद भी दिया, लेकिन हमारी राजनीतिक पार्टी की अपनी मर्यादा है। हमारी पार्टी अलग है, उनकी पार्टी अलग है। वहीं दूसरी तरफ आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि अभी बीजेपी को पिछले चुनाव की 22 घोषणाएं ही पूरी नहीं हुई है। ऐसे में इसी उत्तर प्रदेश से भाजपा केंद्र की सत्ता में आई थी और उत्तर प्रदेश से भाजपा बेदखल भी होगी। समाजवादी पार्टी ही इसकी शुरुआत करेगी।